नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी की नई अनाज मंडी में गेहूं की आवक कल से शुरू हो गई है। कल भिवानी के अंदर ही एक नंद गांव में फसल खरीद हुई थी, लेकिन आज आने की काफ़ी उम्मीद है। आज 10 लोगों को गेट पास प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और गेट पास उन्हीं को दिए गए हैं जिनके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जानकारी है। मंडी में पहुँचे हुए किसानों ने बताया कि साइट नहीं चलने के कारण उनकी फसल ऑनलाइन नहीं हो पाई और जिसके कारण हमारी फसल यहाँ मंडी में नहीं बिक पा रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि बिना ऑनलाइन किए ही किसानों की फसल खरीदी जाए। वहीं मंडी में काम कर रहे किसानों, मजदूरों और पुरुषों महिलाओं ने मंडी में कोरोना के चलते कम लोगों के आने के बारे में जानकारी दी। कहा कि प्रशासन उनको कम ही लोगों को बुलाता है। कई किसानों की फसलें ऑनलाइन नहीं हो पाई हैं जिसके कारण हमें भी काम नहीं मिल पा रहा। कुछ लोगों ने कहा कि हमें खाली बैठ करके ही खाना पड़ रहा है। वहीं मंडी में व्यापारियों का कहना है कि मंडी में फसल ऑनलाइन न होने के कारण किसानों को फसलों में दिक्कत आ रही है, इससे किसान काफ़ी परेशान हैं। सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि हमारी तरफ से किसानों के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं। जिन किसानों की ऑनलाइन फसल हुई है उन 10 किसानों को गेट पास दे करके फसलों को बुलाया जा रहा है और जिनकी फसल ऑनलाइन नहीं है उनकी फसल हम नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे सरकार के आदेश होते हैं उनको उनका पालन करना होता है। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हवा सिंह, कहाँ से आए हो? मंडाना गांव। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या है जी, गेहूँ ऑनलाइन करवाना चाहूँ फिर गेहूँ की साइट नहीं खुल रही है। अगर खोल दे सरकार गेहूँ की साइट, खोल दे तो गेहूँ ऑनलाइन करवाएगा। ये 20 सेशन जो साइट बंद होगी। कितनी समस्याएं आ रही है आपको? समस्या तो काफ़ी लोगों को आ रही है जी। मैं तो यहाँ आ पहुँचा इसलिए मैं अकेला हूँ, नहीं तो बहुत लोगों ने नहीं करवाया है ऑनलाइन। ऑनलाइन के बिना सरकार खरीद नहीं पाएगी और सरकार नहीं खरीदेगी तो ज़मींदार को काफ़ी लॉस हो जाएगा। मेहरबानी करके सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये साइट खोल दी जाए गेहूँ की और सरकार जमींदार अपना ऑनलाइन करवा लें ताकि जमींदारों को फायदा हो जाए। गेहूँ की स्थितियाँ बनी हुई है, गेहूँ की 20% ऑनलाइन है, 80% बिना ऑनलाइन है। अब जो जमींदार बिना जिसकी रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ जाए? अब वो मंडियों में हमारे पास ही आता है, हमारे उनके खाते हैं, हमारे से उनका लेन देन है। तो अब क्या स्थिति बनेगी आप लोग क्या? अब मंडी की मीटिंग बुलाएंगे, जो और मंडियाँ फैसला लेंगी वो फैसला हम लेंगे। पूरे हरियाणा भर में जो स्थिति बनी हुई है वहाँ तो खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही कहीं तो, एक दो मंडी को छोड़ के कहीं खरीद नहीं हो रही। भिवानी दादरी और डिस्ट्रिक्ट में कोई खरीद नहीं है, रोहतक में नहीं है। क्या मांग करते हो आप लोग? क्या मांगे? एक तो लाइन तोड़ो इसको, जैसे पिछले साल गेहूँ लिया था वैसे सरकार गेहूँ ले ले। हम बहुत परेशानी में हैं, लेबर हमारे पास है नहीं, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने तो, मैं तो 70 साल का हो गया, मैंने जिंदगी में ऐसा काम कभी देखा नहीं। अगर आपकी बात नहीं मान जाती, सरकार नहीं मानती, मैं मानना कि सरकार मालिक है, फिर जो हमारे फायदे की में होगा जीतेंगे। जो सरकार करेगी सरकार करेगी, हमारे के बस की बात है। लेकिन हमारी आंखों में आंसू आए हुए आज के दिन, हम बड़ी परेशानी में हैं। कृषि मंत्री से भी मुलाकात आपकी हुई थी 2 दिन पहले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वोट करके चले गए, कर देंगे कर देंगे। हुआ कुछ नहीं? हुआ कुछ नहीं, जो होगा तो हम बता देंगे आप। बावड़ी गेट यहाँ क्या काम करने हो? जार का काम करा है जी। अब कितने दिन हो गए काम कर रहे? कई साल हो गया काम कर दान तो रहा। अब कितने दिन हो गए यहाँ पे? ये तो ये खुली सजीवती है वहाँ से। काम चल रहा है? काम तो को नहीं आवा है, हाथ पा आदर इधर बैठे रहा सब दिन ताई मजदूर है की मजदूर नहीं मिलती। नहीं चाहिए लिया जमींदार है और गैर के जानदार हैं, मजदूर है तो मजदूरी को नहीं। क्यों नहीं बन पा रही मजदूरी? क्या कारण है? यह कारण तो यह और लेनती हो रहा है, जमींदार लिया है जार लग गए तो 2 पैसा मारा भी मने है, जारे नहीं लग गएगी तो हमने क्या मिलेगा है? मजदूरी में क्या है? अड़ंगा मट्टी मिले तो उसमें मर खा जैसे है, याने आना टापर के खांगा नहीं है, सब छोड़ छोड़ के करा छोड़ छोड़ के आऊँ जी है। बस जी ये धन्यवाद। क्या काम करते हो? हाइब्रिड का काम है। अनिल जी क्या कहोगे, स्थिति अब क्या है जी?
क्या स्थिति है मंडी में? स्थिति बुरी है, कोई की भाई खरीद नहीं हो रही और न सरसों की विशेष खरीद हो रही। और रही बात आदत की, जमींदार दुखी है, इस गवर्नमेंट के झूठे वादे हैं, इस मंडी में कुछ भी खरीद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, कैसे कारण क्या है? कारण क्या, ये ऑनलाइन करा रखी, किसी का पाँच दिन में नंबर, पाँच जमींदारों का नंबर आओ एक दिन में, कोई कहता है कागज पूरे नहीं है, कोई कहे गेहूँ आगे ऑनलाइन करवाओ, अभी इतने गेहूँ जमींदारा का ऑनलाइन कैसे करवाएं? तो ये पार पड़ने वाली बात नहीं, ये गवर्नमेंट से भारा निवेदन है कि ये बिना ऑनलाइन गेहूँ खरीदा जाए, सारी फसल जो जमींदारों की है ये बिना ऑनलाइन खरीदी जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे फिर क्या स्थिति होगी? सरकार नहीं मानती तो जमींदार आंदोलन करेंगे, आरती उनके साथ होंगे, और मजदूर जितने भी मजदूर हैं ये मजदूर भूखे मर के कागार पर आगे, मजदूरों को काम नहीं, तो संघर्ष करेंगे। जो हमारा निवेदन ये है कि जो जमींदार का अनाज है वो एक एक दाना गवर्नमेंट खरीदे, और नहीं खरीदेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। मंत्री दो दिन पहले भी वाणी है, जब तुमने मांग रखी थी, मांग रखी थी कृषि मंत्री जी ने, तो ये कहा कि भाई जो शक्ति है यहाँ की धनखर जी, उनसे कहा कि भाई इनको कोऑपरेट करो, जो ये जमींदार का, तो इनका एक एक दाना खरीदो और आप इनको कोऑपरेट करो, आरतीयों करो, इनको कोई ऑनलाइन गेहूँ की गेहूँ लाओ और मंडी में अनाज गिरो। लेकिन आज ये कहते हैं कि भाई ये खरीदेंगे, लोडिंग नहीं हो रही, जो गेहूँ लिखने वाले आते हैं अफसर वो लिख नहीं रहे, वो कहते हैं जो ऑनलाइन है वही गेहूँ बिकेगा। तो इसमें किसानों में भी रोष और आरतीयों में भी रोष और मजदूरों में भी रोष। यदि ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो और कोई रास्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। क्या नाम है? अनिल प्रधान।